नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल न्यूज़, आपकी आवाज़, और मैं हूं राजवीर सिंह। सिहारा क्षेत्र में एक पागल कुत्ते ने दहशत फैलाई हुई है। लगभग आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना चुका है। सिहारा क्षेत्र के गांव नवादा केसो और उससे लगे अन्य गाँव में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब वहाँ एक पागल कुत्ते ने आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाकर उनको गंभीर रूप से घायल कर दिया। सभी घायलों को सीएससी लाकर उनका इलाज कराया जा रहा है। कुत्ते के इस हमले में 40 वर्षीय विशंबर पुत्र जबरे सिंह, 46 वर्षीय जाकिर पुत्र शब्बीर अहमद, 48 वर्षीय ओम प्रकाश पुत्र हरवंश सिंह, 38 वर्षीय कृपाल पुत्र किशनू, 55 वर्षीय रामनाथ और 60 वर्षीय भगवती पत्नी बनवारी आदि लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायल सिहारा थाना क्षेत्र के गाँव नवादा केसो के रहने वाले हैं। सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिहारा ले जाया गया जहां पर सभी घायलों को एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई गई, जबकि बताया गया है कि गुस्साए ग्रामीणों ने पागल कुत्ते को मौत के घाट उतार दिया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने बताया कि 7 ग्रामीणों को कुत्ते द्वारा काटा गया है जिनको वैक्सीन लगा दी गई है। भैया वो कुत्ता है या क्या अभी गांव में? लोग कह रहे मार दिया। अच्छा, जानकारी पक्की नहीं है। तो आप लोग कितने लोग हैं? हम 7 आए हैं और उमरपुर में है और भी उसे 4-5 आदमी वो भी आमन। ठीक है, ये जो केशव नवादा में जो कुत्ते ने जो ग्राम वासियों को काटा है इसमें सब क्या कहना? इससे मुझे भी सूचना मिली है करीब नवादा के सर एक व्यक्ति को कितने वैक्सीन? वो हमारे सर इंजेक्शन तो अवेलेबल है ना? वैक्सीन हमारे पास है।